हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सुबह का ही टाइम है और अभी ये लंच की तैयारी चल रही है और ब्रेकफास्ट हम लोग लाइट लाइट कर चुके हैं। साफ़ सफ़ाई अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि बाहर ओस पड़ी रहती है, तो जब तक अच्छी खासी धूप नहीं लग जाती तब तक मैं फिर वो काम नहीं करती। और यहाँ पर जी शान भी सीख रही है चोटी बनाना। आज उसको शौक जग गया है कि चोटी बनानी कैसे बनाते हैं, मुझे भी सिखाओ। तो बस वही मेरे बालों की आज चली हुई है, यहाँ पे प्रैक्टिस चली हुई है। ये क्या कर रहे हो? ये अंगूर खा रहे हैं। मिट वाटो जरा अंगूर को, पहले साफ पानी में बिल्कुल साफ किया जाए। साफ करने के बाद ही खाया जाए अंगूर। कोई भी चीज लाते हैं तो पहले बेटे उसको धोना चाहिए ढंग से। वही काम कर रही है शानवी। पापा जी, हाँ जी, अब रोज अंगूर लाओगे? हाँ जी, पक्का रोज लाऊंगा मैं, प्रॉमिस। ले, इतनी बड़ी बॉल बन गई है और पकी नहीं है। अब इसको इसके मार के दिखाओ। इसके मार के दिखाती हूँ। ओ, तीन बार मार ली मैंने। आज अब जल्दी से खोपड़ी में तेल लगा के नहाई नहाई करके अपनी मुंडी को ठीक करा दे। नहाई करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि देखो मुझे ऑयली करके हम नहाई नहाई करेंगे। ऑयली ऑयली थे तुम ऐसे कर रहे हो मुंडी को? तेरी मुंडी में ना किलो के हिसाब से तेल लगता है। नीचे बैठ, नीचे। मेरी ना टांगों पे लग रही है क्योंकि हम फ्लोर पे बैठे हुए हैं। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे नगर पंचायत है, ये नगर परिषद बन गई है। तो यहाँ पे है आज इलेक्शन है, इलेक्शन है और ये जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। मतलब मैं तैयार कर रही हूँ। और एक बात बताओ यार, देखो वोट हम दोनों के थे पर नाम सिर्फ मेरा ही है, इसको वोटर लिस्ट से ही निकाल दिया जा रही। मुझे तो दुनिया से ही निकाल दिया गया है ना, पर इसका नाम ही नहीं है लिस्ट। पिछली बार था, अब की बार नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हैं अपनी, फिर उसके बाद जा रहे हैं वोट देने। मतलब क्यों करा रहे हैं ये इतनी डेंटिंग पेंटिंग? वहाँ पे क्या है ऐसा, मतलब जो इनको मिलने वाला है, जहाँ पे इनको खूबसूरत दिखना है? ऐसा नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। ये देखो थ्रेडिंग भी करवानी और आराम से भी करवानी है ना। दर्द होती है तो दर्द होती है तो करवाते ही हूँ। तो बाल बड़े बड़े नहीं हो जाएंगे फिर? मैंने तो कभी नहीं निकाले अपने फेस के बाल। देखो मैं जो लेडीज, लड़कियों को नहीं होते हैं? लड़कियों को होते हैं, पर वे लड़कियां मैं नहीं निकालती। आपको ही दिखना है ना खूबसूरत वहां जाकर के, ताकि स्किन थोड़ी और मतलब वो लगे साफ साफ है, चिकनी चिकनी। ऐसा ही है, ऐसा भी नहीं है। तो सेवा भी मुझसे ही करवानी पड़ रही जब है। मैंने वो वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा तो ये बोल रही यार मेरा तो मेरा क्यों नहीं है। मैंने कहा तू इतना वो क्यों हो रही है यार, क्या तो बाय मिस्टेक हो जाता है। निकलवा दिया, मैंने वोटर साइड कर दिया अपनी बीवी को। मैंने कहा इसको भी जरा साइड करते हैं क्योंकि अब कोई वो नहीं है ना, अब इसका फेवर लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे डैडी जी इनका ठीक मतलब वो करके, डैडीज का फेवर ज्यादा लेते थे ना, अब कौन लेगा तेरा फेवर? अभी तो मैंने वोटर लिस्ट से निकाली है, अगली बार पता नहीं कहाँ से निकल जाएगी। हाँ ये तो है, फेस पैक निकालता हूँ थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद में। शान भी खोल दिए, किससे मिलने जा रहे हैं? ये देखो जी फेस पे भी लग गया फेस पैक, धूप लगी हुई अच्छी खासी। ये देखो मैं आपको व्यू भी दिखा दूं। शेव करने के बाद ना फेस पे लगाना चाहिए वरना काली हो जाती स्किन, ज्यादा बाल आ जाते हैं। आजकल क्या होता है ना कि रात को पता नहीं सारे शीशे जो भी होते हैं ना खिड़कियों के और बेड के ऊपर भी थोड़ा पालरू पालरू जैसा जमा होता है, तो मोबाइल को टच करती हूँ ना मैं, साइड में पीछे रखा होता है बेड पे, तो ना इस पे भी ऐसे जैसे भी पता नहीं पानी, हाँ पानी गिरा हो। तो आज मैंने ना ये कैमरा ऑफ नहीं किया था तब ये थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा है मेरे को, और पार बैठ गई कर देती हूँ मैं साफ बुआ। तो बस आज मैं अपनी मशीन को भी अंदर कर दूंगी, आज का लास्ट धूप लगा रही हूँ इसमें। तो अच्छी खासी धूप अभी लग गई है और बाहर रेलिंग वगैरह सब सूख गई हैं और ये तैयारी कर रहे हैं भाई बोट डालने जाना है इन्होंने, तो साथ ही साथ मेरा चल पड़ा काम। तो ये जो गद्दा है ना, कल भी किसी काम की वजह से मैं ये नहीं, इसमें कवर वगैरह नहीं फिट कर पाई थी, तो आज फिर से थोड़ी सी देर मैंने सोचा कि फिर से धूप लगवा देते हैं इसको। और ये मशीन फिर ये भी मैंने अंदर कर दी,
और इसके बाद सबसे बुरी हालात तो वैसे इसी रूम के होते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा बेडरूम है तो सारे हम लोग यहीं पे सोते हैं और बच्चे भी यहीं पे धमाल मचा के रखते हैं। तो ये देखिए, मतलब बुक्स वगैरह सारी रात को पढ़ाया था ना इनको, तो यहीं पे रख दी थी टेबल पे ही। तो बस यहाँ पे फिर अब साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा लग जाता है, और बाहर धूप अच्छी खासी लगी हुई थी, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रजाइयों के ऊपर थोड़ा ओंस ओंस जैसी होती है, इसलिए फिर मैं डेली के डेली इनको बाहर निकाल देती हूँ धूप में। जिस दिन नहीं होती है धूप उस दिन फोल्ड करके अंदर डालती हूँ और ऐसे में बाहर कर देती हूँ। तो बस पतिदेव भी हेल्प कर रहे हैं कि भाई इनको भी जल्दी लगी है तो मेरा काम थोड़ा सा निपटा देंगे। और बस फिर मैंने सोचा कि कर ही रही हूँ तो थोड़ा अच्छी तरह से मतलब क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये जो गद्दा था फिर इसको भी हमने बाहर निकाल दिया और इसमें भी अच्छे से धूप लगवा देंगे। कवर थोड़े दिन पहले ही धुला था तो मैंने नहीं निकाला, कवर के साथ ही इसको फिर हम लोगों ने बाहर शिफ्ट कर दिया और धूप लगवाएंगे आज मतलब पूरा दिन भर, क्योंकि थोड़ा ना मतलब सारा ही सीलन सीलन जैसी हो जाती है रूम में भी, तो इस वजह से फिर बीच बीच में मतलब धूप लगवाना भी ज़रूरी होता है। तो बस इसे भी हमने बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर फिर बेडरूम की मैंने सोचा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, जब गद्दा भी बाहर निकल ही गया है तो सारे ये बेड वगैरह हटा करके अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस फिर यही मैं कर रही थी, और इसमें भी बेड बॉक्स में काफ़ी सामान रहता है तो हैवी होते हैं। मैं बस यही बोल रही थी इनको कि सिंगल क्यों जोड़ लगा रहे हो, साथ में लगाते हैं, पहले एक बेड को नीचे कर लेते हैं फिर दूसरे को करते हैं। और शानवी को बस सूझ रहा है कि क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग ना बेड के बीचों में भी कोई ना कोई चीज़ फेंक देते हैं, घुसा देते हैं। तो बस ये देखो इसको क्या मिल गया यहाँ पे। और बस फिर मैं यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं जा रहा हूँ अभी वोट देने के लिए, देखते हैं अच्छे से बंदे को चुन के उसको वोट करूंगा, क्योंकि बंदा अगर सही होगा तभी काम होंगे, लेकिन काम कोई नहीं करता वो मुझे ही पता है। अभी अच्छे लगते हैं सभी, बाद में कोई काम नहीं करता। हाँ, कोई तो भी हो चाहे, सीधी मैं बोलती हूँ लाल गल नहीं, ठीक है, क्लियर बात, सही नहीं करते अभी तक, अभी तक ऐसे बोलते हैं हम कर देंगे ऐसा, पर चलो अब वोट देना तो जरूरी है। किस्मत में नहीं है, मुझे आउट कर दिया है वोटर लिस्ट से ही। बाइक का जाना हो सके पैदल जावा, ठीक। तो ये तो निकल लिए वोट देने, और कितना टाइम लगाने वाले हैं उस चीज़ का कोई पता नहीं, क्योंकि कई बार भीड़ भी होती है वहाँ पे, और ऐसे भी काफ़ी दिनों बाद निकल रहे हैं घर से बाहर तो थोड़ा मतलब टाइम लगा कर ही आएंगे ऐसा अनुमान मैं लगा रही थी। और बस फिर मेरी तो चली हुई है क्लीनिंग, तो मैंने क्या किया ना कि थैला जैसा पकड़ लिया, जो जो भी मतलब कचरा था तो इसमें थैले में डालती जा रही हूँ। एक्चुअली बच्चों ने भी ना कागज़ वगैरह इस तरह से जगह जगह हर रोज़ ही, ये तो रोज़ का ही काम है, और हमारा भी जैसे कोई सामान आता है तो वो सारी चीज़ें फिर इकट्ठी करके रखी होती है साइड में, वो सारा मैंने फिर इस बैग में डाल दिया, ताकि यहाँ वहाँ फेंकने से बेहतर है कि जब आग जलाते हैं ना उस टाइम पे आता है काम ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये जो साथ वाला रूम है, तो यहाँ पर जो गद्दे हमारे बेड पे होते थे ना, वो ये मेरे शादी वाले गद्दे हैं, तो ये फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके रखे हुए थे। और फिर सोचा चलो आज चल ही रही है सारी जगह से अच्छे से साफ़ सफाई, तो इन गद्दों को भी मैं बाहर थोड़ा हवा पानी धूप लगवा लेती हूँ। फिर जो मैं ये मशीन लेके आई थी ना, ये जो हमने स्टोर रूम को एक बेडरूम में कन्वर्ट किया था, तो बस वहीं पे इसको भी मैंने रखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस थी तो यहाँ पे एडजस्ट किया था। तो यहाँ पर भी सोचा कि अच्छे से पहले झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, और बीच में जैसे अब थोड़े दिन आपको पता तो है ही हालात किस तरह के थे, तो उस टाइम पे फिर जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मतलब हो जाती थी या सब्जी वगैरह ज़्यादा हो जाती थी, तो वो सब चीज़ें भी फिर हम यहीं पे रख देते थे, और तभी आपको बोरे वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं।
और बस फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब सफाई करने लगते हैं ना तो दिल में आता है कि चलो ये भी कर ही लेते हैं, वो भी कर ही लेते हैं, और इस बीच ना हमारे और बाकी के काम फिर बहुत छूट जाते हैं। तो बस आप सोचोगे कि ये थैला साथ साथ ही चला हुआ है, तो हर जगह मतलब जहाँ जहाँ पे भी कचरा में कोई इकट्ठा भी एक साथ ही डाल के ना मैं इसी में वो कर रही थी कि फिर एक बारी में ही डिस्पोज हो जाएगा सारा। ये क्या आजकल शानवी को शौक चढ़ गया है ब्लॉगिंग करने का, जब भी कैमरा ऑन हुआ नहीं कि ये लग जाएगी कुछ ना कुछ बोलने, और अच्छा भी है इस तरह से बच्चों की एक तो हेजिटेशन प्रॉब्लम नहीं रह जाती उनको, तो कुल मिलाकर के सही रहता है, इसलिए मैं भी नहीं टोकती। तो बस फिर अभी झाड़ू पोछा साथ साथ ही चल रहा है, क्योंकि अंदर जो आपने भी लिविंग रूम देखा तो वहाँ पे तो बाथरूम साथ ही है, तो वहाँ पे डेली के डेली ही पोछा तो ज़रूरी ही हो जाता है। तो हाँ, बीच बीच में ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं ब्लॉग बनाने में भी, भाई बच्चे हैं तो छोटे लेकिन माइंड से थोड़ा बड़े हो गए हैं। और इसके बाद फिर ये लंच के लिए मैं बना रही हूँ मटर और मशरूम। तो पहले तो गरम ऑयल में हींग जीरा प्याज ये मैंने चॉपर में ही चॉप किया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको चॉप किया हुआ दिख रहा होगा। बस इसी में साथ ही मैंने ये मशरूम भी ऐड कर लिए ताकि ऑयल में थोड़ा सा पक जाएं, और ऑयल में जब थोड़ा सा पकते हैं ना तो एक तो इनमें थोड़ी महक जैसी भी नहीं रह जाती और टेस्टी भी बनते हैं। तो फिर मैंने साथ ही साथ, आप बोल रहे थे ना कि बिल्कुल कम कर दो ऑयल खाना, तो वैसे मैं अपनी तरफ से कम ही यूज़ करती हूँ, पर जब इस तरह की कोई चीज़ बननी होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा रखा होता है। जैसे ही थोड़ी देर पक गए मशरूम तो फिर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, जैसा कि आपने देख लिया, हल्दी लाल मिर्च पाउडर मसाला जो भी ऐड करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। एक बार फिर से चला लूँगी ताकि सारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएँ, और साथ ही फिर मैंने ये अगेन टमाटर को भी चॉप कर लिया था, और अब टमाटर को भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी, नमक भी साथ ही साथ ऐड कर दूँगी, और जब तक फिर इनकी महक मतलब गायब नहीं हो जाती तब तक पकाऊंगी अच्छी तरह से। टमाटर को आप थोड़ा अगर ज़्यादा अच्छी तरह से पका लेते हो ना तो सब्जी भी ऑटोमेटिकली टेस्टी बन जाती है, और दूसरा कि अगर अच्छे से नहीं कुक हो तो फिर एक अलग सी महक रह जाती है जो कि फिर बहुत बुरी लगती है। तो बस फिर अभी के अभी फिर मैंने ये मटर भी डाल दिए, और इसे भी अब साथ ही साथ मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ अभी, जब तक सब्जियाँ पूरी अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाएंगी तब तक मैं बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूँगी। तो सब्जी को मैंने कम आंच पे रखा हुआ है, और इसी बीच में मतलब आटा भी गूंथ लूँगी, रोटी भी मेरी तैयार हो जाएगी, और जब फिर मुझे लगेगा कि इसमें अब पक चुकी हैं सब्जियाँ तब फिर मैं थोड़ा उसमें पानी ऐड करूँगी। तो साथ ही साथ मैं ये चपाती भी बना रही थी, और अभी लगभग सब्जियां कुक हो चुकी हैं, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग मतलब जितनी आपको गाढ़ी करेबी चाहिए या फिर पतला जिस भी हिसाब से सब्जी बनानी हो, तो वो चीज़ हो गई, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख, तो इसलिए फिर पहले मैंने सोचा नहाने धोने का काम बाद में करूँगी, पहले इनके लिए लंच तैयार कर देती हूँ। फिर इनको मैंने खाना दे दिया, और उसी बीच फिर कपड़े भी रेडी हो गए थे धुल के मशीन में, तो मैंने सोचा कि इनको भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर धूप कम हो जाए तो फिर आज की आज नहीं सूखेंगे, तो दो दिन का काम पड़ जाता है, इसलिए बेटर होता है कि आज की आज ही सूख जाएं। तो ये सारे काम लगभग मेरे 12 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे तो कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, पर कोशिश यही रहती है कि 12 बजे से पहले पहले मैं सारा कंप्लीट कर लूँ। इसके बाद भाई मेरे काम तो अभी चालू ही हैं, और पतिदेव ने क्या क्या किया वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि संडे का दिन है तो मैक्सिमम मार्केट तो बंद ही है, और बाकी थोड़ा सा व्यू ये लेके आए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आज गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिख रही हैं, बाकी शॉप्स तो उतनी ज़्यादा खुली नहीं है। ये शिव जी का मंदिर है साथ ही, और यहीं पे साथ में फिर स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, जो कि मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ, और बस यहीं पे फिर बोटिंग भी चली हुई है। तो चलिए, बहुत बार दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि पतिदेव ने जब इतनी मेहनत की है यहाँ पर वीडियो शूट करने की तो आपके साथ फिर से शेयर करना ही चाहिए। तो बस ये पीछे बैक साइड वाला व्यू है, और फिर यहाँ पर जा कर के हो रही है वोटिंग, और ये बता रहे थे आकर के कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था,
भीड़ भड़ाका मतलब कि काफ़ी देर पहले ये चले गए थे, तो लगभग 2 घंटे के बाद ही ये आए थे, 2-2.5 घंटे के बाद ही। तो मैं पूछ रही थी मैं कि इतनी देर लग गई आपको, तो बता रहे थे कि भी बहुत भीड़ भड़ाका था। और बस फिर यहीं पे वोट इनके चल रहे थे, तो आप भी देख लीजिए कैसा कैसा व्यू है यहाँ का, कैसा नज़ारा है। बाकी इनसे भी बात कराते हैं कि किसको वोट दिया है, वो भी बता देते हैं आपको। और मैं आ गया बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इतना तो यार एमएलए के इलेक्शन में नहीं होती है जितने जो वार्ड मेंबर के उसमें भीड़ थी, आधा घंटा खड़ा रहा मैं। आपने किसको वोट दिया? जो जीतने वाला बंदा है और जिसको मैं देता हूँ वोट, वो हमेशा जीतता ही है, जीतेगा ही। बाप रे, तब तो आपने नहीं, पता नहीं सिक्स सेंस मेरा, वो मैंने वो ही दिया क्योंकि बंदा भी ठीक है, मतलब चलो ठीक है ठीक है, आपके ही वोट वाला जीतना चाहिए। तो बस जी, फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की पेंडिंग कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।